प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हेतराम सिंह, विभाग अध्यक्ष लोक प्रशासन श्री कल्याण राज के कन्या महाविद्यालय सीकर से बोल रहा हूँ। और आज अपने जो टॉपिक है वह है अहस्तक्षेपवादी राज्य, अर्थात लेसेस फेयर स्टेट। तो अहस्तक्षेपवादी जो राज्य है उसके बारे में अगर हम बात करें तो अहस्तक्षेप यानी कि ये जो शब्दी है उसी से ऐसा विदित होता है कि बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी विविधान के जो राज्य कार्य करे उसे अहस्तक्षेपवादी राज्य, या फिर जनता के संबंध में अगर बात करें तो ऐसा राज्य जो जनता के दिन प्रतिदिन के ज़्यादा कार्यों में हस्तक्षेप ना करे, ऐसे राज्य को अहस्तक्षेपवादी राज्य के नाम से जाना जाता है। वैसे विधिवत रूप में अगर हम अध्ययन की दृष्टि से इसका उल्लेख करें तो ये लेसेस फेयर एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। उस लेसेस फेयर को अगर बात करें तो जिसका अर्थ होता है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, यानी कि वह जो कार्य होंगे, जो विकास के कार्य हैं, या वो अपना जो कार्य कर रहा है वो निर्विघ्न रूप से अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सके। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है, ये जो लेसेस फेयर शब्द है यह फ्रेंच भाषा का, इसका जो भावार्थ होता है वो क्या है कि व्यक्ति जो होता है उनका कहना है कि भाई स्वतंत्र है, स्वतंत्रता पर ही अधिक जोर दिया जाता है और स्वतंत्र रूप में ही वो अपना कार्य अधिक कर सकता है। तो अहस्तक्षेपवादी या फिर इसको व्यक्तिवादी के नाम से भी जानते हैं, या राम भरोसे राज्य का सिद्धांत भी, ये सभी एक ही जो धारणा है उसी के पर्यायवाची शब्द हैं। और इनकी जो मान्यता है कि एक जो राज्य है, राज्य के बारे में इनकी मान्यता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, यानी कि अर्थात अगर हम बात करें तो ये राज्य को मानते तो हैं, स्वीकार तो करते हैं राज्य को, लेकिन किंतु इसको क्या कहते हैं कि एक आवश्यक भी मानते हैं और बुराई भी मानते हैं, यानी कि होना भी चाहिए राज्य, लेकिन राज्य का इनका कहना होता है कि राज्य की जो गतिविधियां हैं वो अधिकतम सीमा तक सीमित होनी चाहिए, यानी कि इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि हर क्षेत्र में ही राज्य व्यक्तियों के कार्यों में व्यवधान पैदा करें या व्यक्तियों के कार्यों में कोई अड़ंगा लागू करें। तो ऐसी प्रकृति इनकी जो होती है, इनकी जो सोच होती है, जो अहस्तक्षेपवादी जो विचारधारा है, इनका कहना है कि मूल रूप से ये जो बात है वो यही है कि ये स्वतंत्रता पर अधिक जोर देते हैं और व्यक्ति, इनका कहना है कि व्यक्ति अपने आप में जो विकास करेगा वह स्वतंत्र रूप में ही अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है, चाहे उसका भौतिक विकास हो, शारीरिक अथवा ये आर्थिक सामाजिक, जो विकास का जो ये शब्द है इसके रूप में इनका कहना यही है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो और व्यक्ति बिना, जो प्रतियोगिता है वो प्रतियोगिता भी जब ही होगी, जब आपस में ये लोग आपस में प्रतियोगिता करेंगे तो विकास भी होगा। तो इन लोगों का मूल रूप से यही कहना है कि राज्य होना चाहिए लेकिन एक सीमा तक उसको कार्य करने चाहिए, और उसकी सीमा से अगर वो बाहर रह के कार्य करता है तो फिर ये उसको एक बुराई के रूप में ही मानते हैं। अब उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो इस जो व्यक्तिवादी जो विचारधारा है इसके जो मूल समर्थक हैं, जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ, मिल्टन, लॉ, वाल्टेयर आदि, ये जो जितने भी जो विद्वान हैं इन सभी ने ये इस अहस्तक्षेपवादी विचारधारा का एक प्रबल समर्थक हैं। और इनका जो कहना है कि राज्य द्वारा मानव जीवन में जो हस्तक्षेप की नीति है वो कम से कम होनी चाहिए, और कम से ये यही करते हैं कि अहस्तक्षेप ही रहना चाहिए, अधिक हस्तक्षेप ना करें। तो अगर हम बात करें कि इसके जो कंसेप्ट है, इस जो विचारधारा है और इस जो कंसेप्ट जो तैयार हुआ, जो अवधारणा तैयार हुई, उसकी पूरी अगर हम विवेचना करें या विवरण अगर उसका हम देखें तो व्यक्तिवादी जो राज्य को एक आवश्यक बुराई तो मानते ही हैं, लेकिन उनका कारण भी है कि राज्य के कार्य तब नकारात्मक रूप में हो जाते हैं जब ये मानव की भलाई तो कम करते हैं और उन्नति का जो प्रबंध का जो कार्य है वो नहीं कर पाते। तो इनका जो कार्य क्षेत्र है वो अधिकतम क्या कि एक निर्धारित सीमा तक ही सीमित रहना चाहिए। इनके अनुसार अगर हम बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने निजी मामलों में निर्णय लेने का और निश्चय करने के जो अधिकतम स्वाधीनता है उस पर ही ये जोर देते हैं, और इनका कहना है कि अधिकतम इनको स्वतंत्रता होना चाहिए। राज्य को लेकर अगर हम बात करें
तो ये केवल उसी समय हस्तक्षेप करने की बात करते हैं जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हितों को अगर ठेस पहुंचाए या सार्वजनिक शांति के लिए खतरा उत्पन्न करे, तो ही ये इस बात को स्वीकार करते हैं कि राज्य होना चाहिए। जॉन स्टुअर्ट मिल, जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक भी हैं, और इनका कहना है कि अपने निजी हितों की प्राप्ति के मार्ग में मानव जीवन में किसी को भी बाधा उपस्थित नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो मिल का यह कहना भी था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वार्थ के जो हितों का है वो सबसे ज़्यादा संरक्षक वह स्वयं ही होता है। अब उदाहरण के लिए मानव जाति का लाभ इसी में है। इनका कहना है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा जीवन बिताने दे जो उसे स्वयं अच्छा लगता हो। तो स्टुअर्ट मिल ने जो स्वतंत्रता पर अधिक जोर दिया है, और उनका कहना है कि व्यक्ति क्यों, और उनका कथन भी है मिल का, एक स्टुअर्ट मिल का माना हुआ कथन, कि शासन का जो आधिक्य जब किसी को उसकी प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करने की अथवा वांछनीय रूप में किसी के विवेकानुसार क्रियाशील होने से वंचित करता है, तो शारीरिक या मानसिक गुणों का कुछ भाग विकास से वंचित रह जाता है। तो स्टुअर्ट मिल ने जो इस बात पर जोर दिया, उनका यही कहना था कि व्यक्ति क्यों, इसी संबंध में लॉक का भी कहना है, लॉक का भी यही विचार था कि जब ये स्वतंत्र ही पैदा हुआ है तो उसे स्वतंत्र रूप में ही अपना विकास कर देना चाहिए, और राज्य को इतने ही सीमित कार्य करने चाहिए जितना कि उसकी एक सीमा, एक जो लिमिट इन्होंने निर्धारित कर दी, उस लिमिट के अंदर ही ये कार्य करें। इसी संबंध में वहीं इनके जो प्रबल समर्थक विद्वान रहे फ्रीमैन, उनका भी यही विचार था, और उदाहरण के लिए वो कह भी थे कि वह सरकार सबसे अच्छी सरकार है जो सबसे कम शासन करती है। तो इन सब बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो इनके जो कंसेप्ट तैयार हुई, जो ऐस्थिकवादी विचारधारा थी, इसके बारे में जो अवधारणा तैयार हुई, एक लंबे समय के 17वीं और 18वीं शताब्दी में चलकर, और ये प्रबल समर्थक जितने भी जो विद्वान हुए, इन्होंने अपने अपने जो विचार अभिव्यक्त किए और इन्होंने अपनी जो इस विचारधारा को आगे बढ़ाया, उसी के आधार पर इनकी कुछ मान्यताएं भी तैयार हुई जिन्हें हम अवधारणा की मान्यताओं के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो इनकी जो मुख्य मान्यताएं थी इन इस अवधारणा के, इस कंसेप्ट की, तो नंबर वन, जैसे इनका कहना था कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो विकास है वह एक स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण में ही संभव हो सकता है, बंधन के वातावरण में नहीं। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये स्वतंत्रता पर अधिक ही जोर देते हैं। दूसरा अगर बात करें तो पॉइंट नंबर टू, जैसे मान लो राज्य के अस्तित्व के बारे में ये कहते हैं कि राज्य का जो अस्तित्व है वो केवल इसलिए है क्योंकि अपराध होते हैं, और अपराध होते हैं अतः उन अपराधों को रोकने के लिए ही प्रमुख रूप से राज्य को कार्य करने चाहिए और कार्य नहीं करें। साथ ही अगर बात करें पॉइंट नंबर तीन में, इन्होंने जो कहा है और मनुष्य के बारे में ही, कि समाज में मनुष्य का एक भौतिक और आर्थिक विकास, स्वतंत्र प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन, आपस में जो प्रतियोगिता होगी और प्रतियोगिता के आधार पर ही ये संभव हो सकता है, और वो अपना जो विकास है वो आपस में एक दूसरे से प्रतियोगिता करेंगे आगे बढ़ने के लिए, उनमें प्रयास करेंगे, उन प्रयासों के आधार पर ही वो आगे बढ़ेंगे। साथ ही पॉइंट नंबर फोर में भी ये इस बात पर जोर देते हैं कि राज्य को और सरकार को केवल वही कार्य करने चाहिए जिन्हें नियम के रेगुलेटरी फंक्शंस, या फिर अगर हम बात करें तो दिन प्रतिदिन के जो प्रशासनिक कार्य हैं उन्हीं कार्यों को करना चाहिए। और जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं कि व्यापार, वाणिज्य, औद्योगिक क्रियाएं, ये सब जो कार्य हैं, आर्थिक विकास से संबंधित कार्य हों चाहे भौतिक विकास से संबंधित कार्य हों, ये कार्य राज्य को नहीं करने चाहिए। अगर इसके ये बारे में आगे बढ़ाते हुए अगर हम इसकी बात करें अवधारणा के, कि अवधारणा के इसके जो इन्होंने जो कार्य क्षेत्र निर्धारित कर दिया है और अवधारणा के आधार पर इन्होंने जो कार्य बताए उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हम बात करें, तो व्यक्तिवादियों के अनुसार जो राज्य है और राज्य में जो मानव कुप्रवृत्तियों, कुप्रवृत्तियों का मतलब ऐसे जो प्रतिबंधित जो क्षेत्र हैं, तो इनका कहना है कि ऐसी कुप्रवृत्तियों को प्रतिबंधित करने का एक जो साधन मात्र है, इस साधन द्वारा इस प्रकार से कार्य किया जाना चाहिए कि कालांतर में राज्य की जो सत्ता है वह स्वतः अनुपयोगी ही हो। इसलिए इसके जो सभी समर्थक जितने भी जो विद्वान हुए, इसे केवल सुरक्षात्मक और निषेधात्मक
कार्य करने की ही अनुमति प्रदान करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इसी अवधारणा के अनुसार राज्य को एक जैसे पुलिस का रूप दर्जा दे दिया गया है, और क्यों कि व्यक्तिवादियों ने आगे भी ये कहा है और इनका कहना भी था कि अगर राज्य अधिक कार्य करेगा और अधिक कार्य करेगा तो एक तरह से वो आम जनता पर एक पुलिस का सा व्यवहार करेगा जो कि एक दंडात्मक प्रकार का जो व्यवहार होता है। तो इनका कहना था कि कम सीमा में ही राज्य को अपने कार्य करने चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे इनका भी कहना था कि जब ऐसे नंबर वन कि विदेशी आक्रमणों से देश की सीमाओं की रक्षा करने का कार्य राज्य को करना चाहिए, दूसरा आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य राज्य को करना चाहिए, तीसरा व्यक्तियों को परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध संरक्षण देकर और उनकी जान माल की रक्षा, निर्बल व्यक्ति हैं उनकी सुरक्षा करना का दायित्व भी राज्य के ऊपर आना चाहिए। इसी में जो गिलक्रेस्ट हुए इन्होंने अपनी तीन प्रमुख बातें जो बात बताई, उनका कहना था कि अनिवार्य रूप से संविधान की जो निर्वाह की जो व्यवस्था है और असहाय और निर्बल व्यक्तियों की जो रक्षा का कार्य है, ये दो कार्य ही राज्य को करने चाहिए। वहीं हर्बर्ट स्पेंसर ने भी व्यक्ति के बाहरी और आंतरिक शत्रुओं से रक्षा के अलावा व्यक्तियों के मध्य विधिवत रूप में जो संपादित जो संविधानों का पालन करने का जो कार्य है उस कार्य पर जोर दिया और इन कार्यों को ही राज्य को करना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अहिंसावादी जो विचारधारा है और इस जो विचारधारा की जो अवधारणा तैयार हुई, इस अवधारणा में जितने भी इसके जो विचारधारा के जो समर्थक प्रबल विद्वान थे उन्होंने इसी बात पर अधिकतर जोर दिया कि राज्य को कम से कम कार्य करने चाहिए। और इनका यह भी मानना था कि जब तक राज्य, जैसे ही मान लो कोई सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में प्रवेश करता है तो ये मानो कि वो मानवीय स्वतंत्रता में एक तरह से बाधा उत्पन्न कर रहा है, या कह सकते हैं कि वो बाध्यती है। इसलिए इनका कहना था कि ये राज्य का नैतिक कर्तव्य भी है और दायित्व भी है कि वो व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक वैयक्तिक जो इस प्रकार के जो कार्य हैं उनमें जीवन में उनको अकेला छोड़ देना चाहिए। और जब वो अकेले, इनका कहना था कि जब वो प्रतियोगिता होगी तो उस प्रतियोगिता में वो अपना अधिक विकास करेंगे। और अतः इनका जो विशेषकर इसी बात पर जोर दिया वो यही था कि अहिंसावादी जो विचारधारा है, इनके जो कंसेप्ट तैयार हुआ वो इसी बात पर था कि जब तक व्यक्ति प्रतियोगिता नहीं करेगा वो अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। धन्यवाद।